हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रमन जैन। आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस ग्रुप की एक कंपनी के बारे में, और वो है व्हील्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस इशू करने वाली है, और रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है, उसका भी लेटर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स ये बनाती है। तो आप देख सकते हैं काफी सारे जो प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं, जैसे बसेस के लिए यूज होता है, एयर सस्पेंशन हो गया, बाकी स्टील व्हील्स हो गए, मीन्स काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ट्रैक्टर के हो गए, इनके अगर प्रोडक्ट्स में देखे जाएंगे तो व्हील्स बनाती हैं, एयर सस्पेंशन डिवीजन भी है इनका, एनर्जी इक्विपमेंट पार्ट्स डिवीजन भी है, हैवी इंजीनियरिंग डिवीजन भी है, एफएबी डिवीजन है, काफी सारे डिवीजन है। और ये जो कंपनी है काफी मीन्स मान लीजिए ट्रैक्टर है तो उसके कंपोनेंट बनाती है, ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है टीवीएस ग्रुप की, जो काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ रही है काफी अच्छी हो रही है, लास्ट ईयर का भी अगर आप देखेंगे, ये लास्ट 5 ईयर्स का भी ग्रोथ देखेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और आने वाले समय में और अच्छी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि डिमांड तो इनके प्रोडक्ट्स की बढ़ी रही है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं व्हील्स इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1962 एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील व्हील मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है जो स्टील के व्हील्स बनाती है, जो ट्रैक्टर के नीचे लगते हैं, जो टायर लगते हैं उसके पहले ये लगते हैं, और जो बड़े ट्रेलर्स ट्रॉलीज है उसके नीचे भी लगते हैं। तो ये कंपनी है सबसे बड़ी जो ट्रक्स में यूज होते हैं, बसेस में यूज होते हैं, तो काफी बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। और इसका मैं आपको चार्ट वगैरह दिखा देता हूँ, फिर बोनस इशू के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक ही साल का चार्ट निकाला है, लो इसका था 1287 के ऊपर लगभग जून में। तो हर साल डिविडेंड देती है कंपनी, और ग्रोथ इसकी अगर आप देखेंगे तो काफी मजेदार ग्रोथ है, कंटिन्यूस ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और अगर आप 5 साल का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो हर साल डिविडेंड दिया है, और ग्रोथ का जो चार्ट है वो ऊपर की तरफ ही है, और इस कंपनी ने लगभग 3 टाइम्स डिविडेंड दे चुकी है अब तक, और ये चौथी टाइम डिविडेंड सॉरी बोनस शेयर्स दे चुकी है 3 टाइम्स, और अब ये चौथी टाइम बोनस शेयर्स दे रही है, और डिविडेंड तो एवरी ईयर देती है। 2013 की बात करेंगे तो 380 के करीब चलता था ये स्टॉक, और आज आप देख सकते हैं किस रेट पर चल रहा है, 2500 के करीब चल रहा है। इसका हाई है 2690 का और लो है 1287 का। तो आप देख सकते हैं 100% के करीब एक ही साल में इसने रिटर्न दिया है, और कंटिन्यूस रिटर्न दिया है, ऐसा नहीं कि इस साल दिया है, कंटिन्यूस ग्रो करते आई है कंपनी। चार्ट भी देख लीजिए, कंटिन्यूस प्रॉफिट में है ये कंपनी, और काफी अच्छी कंपनी है, काफी कम लोगों को पता है ये कंपनी के बारे में। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 3006 के करीब मार्केट कैप है, 130% का डिविडेंड दिया था, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, और इसी के ऊपर बोनस शेयर्स देने वाली है कंपनी। इसका अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो काफी अच्छा इसका सेल्स का टर्नओवर है, 699 का इसका सेल्स का टर्नओवर था, और नेट प्रॉफिट 19.47, उससे पहले 591 का था और नेट प्रॉफिट 12.91। तो कंटिन्यूस अच्छी ग्रोथ है इस कंपनी की, और हाई पे चल रहा है, और अब बोनस इश्यू करने वाली है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 75% की कंटिन्यूस प्रमोटर की होल्डिंग है, और 25% की एफआईआई की और पब्लिक की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड में रिलायंस टैक्स सेवर फंड ने इसे खरीदा है, और भी फंड ने खरीदा होगा, तो इसी के बारे में बताना था। और इसका मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं व्हील्स इंडिया लिमिटेड। कल इनकी बोर्ड की मीटिंग थी, और बोर्ड की मीटिंग में इन्होंने बोनस शेयर्स रिकमेंड किए हैं, 10 रुपये का जो फेस वैल्यू का शेयर है, एक शेयर के ऊपर एक फ्री देने वाले हैं, मतलब अगर आपके पास 10 शेयर्स है तो 10 शेयर्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं, तो जिसके पास भी है आप होल्ड कर सकते हैं। और काफी अच्छा मीन्स रिटर्न दे रही है ये कंपनी, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, तो आने वाले समय में भी ये कंटिन्यू ऐसे ही ग्रोथ कर सकती है, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया भी अगर है तो काफी बेहतर कंपनी लगती है।
और अगर इसका अगर रिकॉर्ड डेट देखा जाए तो रिकॉर्ड डेट भी आ चुका है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 अगस्त 2018, 9 अगस्त इसका रिकॉर्ड डेट है, और डिविडेंड का जो इसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो लगभग 10 अगस्त के करीब रहेगा। तो अगस्त में ही 9 और 10 अगस्त के पहले ही आपको लेना पड़ेगा, लगभग 5-6 तारीख के पहले भी ले सकते हैं, या अभी मिले तो अभी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन काफी बढ़िया स्टॉक लगता है, टीवीएस ग्रुप का है। तो आज इसी धाकड़ स्टॉक के बारे में बताना था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।